हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल कुकिंग रेसिपी। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही, बट मैं एक न्यू प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, तो उसका डेमो और अनबॉक्सिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पिजन का मैंने एक सेट लिया है, इसमें 3 कुकर हैं, 2 लीटर, 3 लीटर और 5 लीटर का। कई चीजों के लिए हमें यूजफुल कुकर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब 2 लोगों के लिए बना रहे हैं या सिंगल यूज के लिए बना रहे हैं, तो हमें छोटा कुकर की जरूरत पड़ती है, तो ये मुझे एक अच्छा डील मिला, तो मैंने इसको ग्रैब किया। तो अभी चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पे 5 इयर्स वारंटी दिया है, पिजन ब्रांड का है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लुक काफी अच्छा था, मुझे ये देखने में बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसको लेना चाहिए। और मैं आज इसका पूरा तीनों कुकर में आपको दिखाऊंगी भी कि ये आप अगर लेना चाहें तो आप देख सकते हैं वीडियो में, देखते हैं हम कि ये लेने जैसा है या नहीं। तो इसको मैं खोल लेती हूँ। कि वहां हमने चेक किया था तो इसमें 3 कुकर थे और 2 लीड है इसका। प्राइस अगर आप हम देखेंगे यहाँ पे, तो प्राइस यहाँ पे 2395 MRP इसका मेंशन है। चलिए इसको हम खोल लेते हैं। ओके, तो ये इसका 1 लीड। इसका वारंटी कार्ड भी हमें मिला था, तो उसमें स्टैंप वगैरह करके दिया हुआ है। इसको साइड में रख देते हैं। चलिए अभी हम प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं हमारा, इसकी क्वालिटी कैसी है, थिक है या नहीं, हैवी है या नहीं, सब चीजें देखते हैं हम। तो ये इतने प्रोडक्ट हमें मिले हैं इसमें। तो ये हमारा सबसे छोटा वाला, बहुत ही स्टाइलिश और क्यूट सा है, आप देख रहे हैं, और ये हैवी भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का है, काफी हैवी है। तो ये 2 लीटर वाला हो गया, और इसके साथ 5 लीटर वाला भी है। सो सपोज अभी सिंगल यूज के लिए मुझे दाल बनाना है, तो मैं कुकर में 2 लीटर वाले इसमें भी बना सकती हूँ। अदरवाइज एक सिंगल कुकर था 5 लीटर का, जिसमें बहुत दिक्कत होती थी, तो इसके लिए मैंने ये अच्छे ऑफर में मिला तो मैंने इसे बाय कर लिया। और ये है 5 लीटर का, जो काफी ज्यादा हैवी है। फिनिशिंग भी बहुत अमेजिंग है गाइस, सी कितना अच्छा लग रहा है ये देखिए, ठीक है और काफी अच्छा है ये 5 लीटर वाला, ये 2 लीटर वाला। चलिए 3 लीटर वाला भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ वहां पे हमने चेक किया था तो इसके 2 लीड थे और 2 सीटियां भी उसके साथ दी हुई हैं। तो ये 3 लीटर वाला हो गया। इसके ढक्कन भी जो है, इसका कवर भी काफी अच्छा है, काफी ठीक है, स्टाइलिश लुक दे रहा है। सो ओवरऑल अभी तक मुझे ये बहुत अच्छी डील लगी। अभी इसमें हम एक एक करके तीनों कुकर में मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी, तो देखते हैं इसकी सारी चीजें परफेक्ट है या नहीं। और ये भी बहुत हैवी है। सो ओवरऑल काफी अच्छा है, दिखने में भी बहुत प्रिटी लग रहा है। तो सबसे छोटे वाले जो 2 लीटर का है, उसमें मैं दाल बना के आपको दिखाती हूँ। सो मैंने कुकर और सारी जो ढक्कन वगैरह सब अच्छे से धो लिया है, और इसमें बहुत थोड़ा सा मैंने दाल ले रही हूँ, और पानी भी आप देख रहे हो कि थोड़ा ही रखा है, ये 2 लीटर वाला जो है अपना, तो इसमें जो भी जरूरत के अनुसार हम डालते हैं हल्दी वगैरह, वो सब मैं डाल देती हूँ। तो चलिए अभी हम गैस ऑन करते हैं और ढक्कन लगा देते हैं। ये अभी न्यू है, और इस टाइप का कुकर मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, जो बाहर से बंद होता है, तो थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी आ रहा है। सो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इसको बंद किया गया है। अब हम गैस ऑन करके मीडियम फ्लेम पे इसको दाल को पकने देंगे।
मैं बीच में आपको दिखाती हूँ, बिकॉज कुकर का मेन बहुत सी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है कि उसका सीटी वगैरह प्रॉपर है या नहीं। तो पिजन का मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, तो इसका रिव्यू मैं डेफिनेटली पूरी तरह से आपको दिखा रही हूँ। सो फ्रेंड, जैसे कि थोड़ा सा मैंने आपको वीडियो में दिखाया, मुझे मोबाइल हटाना पड़ा बिकॉज इसका वेपर पूरा उसके कैमरे के इस पे जा रहा था इसके लिए। बट ओवरऑल मैं आपको दिखाती हूँ, इसका वेसल भी निकल गया है, तो ये आप दाल देख सकते हैं, अच्छे से पूरा कुक हुआ है, गल गया है पूरा दाल। बट ये मुझे थोड़ा सा ये लगा, मे बी बिकॉज ऑफ मैंने पानी ज्यादा डाल दिया था या ऐसा कुछ हुआ रहेगा। बट ओवरऑल ये वाले से बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा अपार्ट फ्रॉम दिस। तो मैं बाकी के भी जो 3 लीटर और 5 लीटर वाले हैं उसका भी डेमो आपके साथ शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, अभी जो 5 लीटर वाला हमारा कुकर है, हम उसका थोड़ा सा एक डेमो देखेंगे। पर उसके पहले मैंने जैसे कि बताया था कि इस तरह का कुकर मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, तो कुछ डिफिकल्टीज आ रही थी इसको मतलब बंद करने में। तो बट थोड़ी सी प्रैक्टिस और एक टेक्निक के हिसाब से अगर आप करेंगे तो बहुत इजी वे है इसको बंद करने का। तो ये उनके लिए है जो उनको नहीं पता है, बहुत इजी है। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि जो लीड है उसका सीटी हमें निकालना है पहले, और बहुत सिंपल वे है कि यहाँ पे हम ये आप देख रहे हैं जो यहाँ इसका पॉइंट है ये वाला, इसको हम यहाँ पे फंसाएंगे, और ये फंसाने के बाद हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पे आपको प्रेशर देना है, प्रेशर देके आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसको टर्न करना है तो ये लॉक हो जाएगा, और उसके बाद हमें इसकी सीटी लगानी है। अभी इसकी सीटी लगानी है, तो ये इस तरह से इजी वे है बंद करने का। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो इसमें जो मैं एक नॉर्मल सा छोटा सा डेमो कर रही हूँ, मैं इसमें आलू बॉईल करने वाली हूँ। सिर्फ हमें ये चेक करना है कि अगर आप पिजन का लेने जा रहे हैं तो एक्चुअली में वर्क करता है यानी प्रॉपरली। मोस्टली कुकर्स में प्रॉब्लम आती है तो हम ये चेक करते हैं। तो मैं इसमें आलू बॉईल करने वाली हूँ, ये अराउंड 1/2 kg आलू है। पानी डाल देंगे, पानी हमें उतना ही डालना है जितने में आलू हमारे डूब जाए, बस उतना ही करना होता है। ये एक टेक्निक होती है आलू बॉईल करने की। अब हम इसका लिड लगाएंगे, तो फिर से सेम टेक्निक, हमें कुकर की सीटी पहले निकाल लेनी है, एंड देन यहां से हम प्रेस करेंगे। प्रेस करते हुए आपको बंद कर देना है, एंड देन उसकी सीटी लगानी है। तो ये तरीका है। तो गैस मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है मीडियम फ्लेम पे, थोड़ी अगर इसमें विसल्स आएंगे तो वो मैं आपको शो करती हूँ। कि हमने 2 लीटर वाले का देखा था, वो मे बी मैंने पानी थोड़ा ज्यादा डाल दिया था इसकी वजह से, बट ये वाला परफेक्ट है। एंड इसकी सीटी भी, जो विसल्स भी है वो भी प्रॉपर है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। अच्छी प्रोडक्ट है बाय करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा एक कुकर है जो 3 लीटर वाला है, तो उसका भी एक छोटा सा डेमो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मैंने 2 लीटर वाला आपसे शेयर किया था वो फर्स्ट टाइम था, और मुझे एक आइडिया नहीं था कि उसको किस फ्लेम पे पकाना है। बट तब मैंने उसको वापस से यूज किया और उसमें चने की दाल बनाई, तो एक बूंद भी पानी वो बाहर ड्रॉप नहीं हुआ। तो वो ही तरीके से हम इसको भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेते हैं,
बेसिकली मैं एक सिंपल सा सांभर बनाने वाली हूँ डोसे के साथ खाने के लिए। तो इसमें मैंने जो चीज नोटिस की है, आप इसका जो बॉटम है ये काफी थिक है, तो आप इसमें मसाले वगैरह अगर गूंधते हैं तो काफी अच्छे से गूंध जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अगर आप फेस्टिवल, दिवाली आ रही है, अगर आप फेस्टिवल में अपना कुकर चेंज करना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है ये प्राइस में। तो मैं आपको थोड़ा सा एक दिखाती हूँ कि किस तरह से इसमें मैं काम कर रही हूँ। सो कुकर गर्म हो गया है, डालती हूँ मैं थोड़ा सा ऑयल। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ तड़के के लिए। जब भी हम राई का तेल यूज करते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान हमेशा रखना होता है कि जब तक वो पूरी तरह से गर्म ना हो जाए, पक ना जाए, तब तक हम उसमें कोई भी तड़का नहीं डालते, नहीं तो उसका कच्चापन हमेशा आता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आप देखेंगे तो धुआं आ रहा है ऑयल से, फ्लेम हम करेंगे स्लो, डालेंगे हमारा तड़का। इसमें सॉटे करना भी बहुत इजी रहता है, और मेन चीज जो अच्छी चीज मुझे लगी वो तले में कुछ भी चिपकता नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सा सांभर है, इसके आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी इन डिटेल। अभी सिर्फ मैं आपको ये कुकर में इजीली मैं बना रही, बस वही दिखाना चाहती हूँ। तो जब मैंने इसमें मसाले भुने थे बिल्कुल भी लगा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं लगा था। फ्लेम मैंने एकदम हाई पे रखा है। डालते हैं जरूरी हमारे मसाले। चिली पाउडर, थोड़ा सा सांबर मसाला, इसको देंगे एक मिक्स। आपको देखिए, आप बिल्कुल भी ऑयल मैंने बहुत थोड़ा सा यूज किया था, फिर भी आप ऑयल इसमें देख रहे हो, अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा तो ऑयल बिल्कुल भी नहीं बचा है। मैं इतना कम ऑयल किया डाला था फिर भी ये चिपक नहीं रहा है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसमें पानी डाल दूंगी। फ्लेम करेंगे हाई। एक चीज यहाँ पे ध्यान ये देनी है कि जब भी हम सीटी लगाएं तो ये जो 2 लीटर और 3 लीटर वाला है, इसमें जो फ्लेम है वो हमें मीडियम और लो के बीच में रखनी है, हाई पे नहीं रखना है। उस दिन मैंने हाई पे रखा हुआ था, इसकी वजह से वो सब पानी बाहर आ रहा था, दाल बाहर आ रही थी। तो इन्होंने इंस्ट्रक्शन में भी ये मेंशन किया हुआ है कि ये दोनों के लिए हमेशा फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखना है, हाई नहीं रखना है। बट मैंने हाई रख दिया था तो वो मिस्टेक हुई थी। अभी मैंने सारी चीजें इसमें डाल दी है, अभी हम इसको कवर कर देंगे। तो कवर करने के लिए जैसे मैंने बताया था लिड को क्लोज कैसे करना है, इस तरह से यहाँ पे रखिए, बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर दीजिए और इसको बंद कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है। और फिर इसके बाद हम सीटी लगा देंगे, फ्लेम इसका मीडियम कर देंगे।